Hello guys, welcome back to my YouTube channel Standard Classes. So today I'm going to continue chapter 4 business services and hum log isse previous video mein discuss kar chuke hain about the insurance which is one of the business services and today I'm going to discuss टू अनदर सर्विसेज विद यू. ये हम उन सर्विसेज की बात कर रहे हैं गाइज कि जो सर्विसेज आपको एक आपके बिजनेस रन करने में हेल्प करेंगी. उन सर्विसेज में एक होता है इंश्योरेंस सर्विसेज, एक होता है कम्युनिकेशन सर्विसेज, वन वी आर टेलीकॉम सर्विसेज. तो यही सब चीजें अब हम डिस्कस करने वाले. सो टूडे आर फर्स्ट सर्विसेज आर कम्युनिकेशन सर्विसेज. ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, है ना. एंड नाउ कम्युनिकेशन डजंट मीन बातचीत करना थ्रू फोन, थ्रू ईमेल, थ्रू इंटरनेट. जब पहले ये चीजें नहीं होती थी तो तब आप कैसे करते थे? पोस्टल, चिट्ठियां चला करती थी पहले के टाइम में. दैट ऑल्सो कम अंडर कम्युनिकेशन. एंड कम्युनिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन आप अपने कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से, सॉरी अपने ट्रेडर से, अपने मैन्युफैक्चरर से कम्युनिकेट कैसे करोगे? बातचीत कैसे होंगी तो काम कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि एक्टिविटीज तो कोऑर्डिनेट करनी पड़ेंगी ना. कहीं पे चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, कहीं पे उनको ट्रांसफर करना है, तो जब तक बातचीत नहीं होगी कैसे वो बंदा आके सामान लेगा, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेगा? तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हेल्प्स द बिजनेस टू एस्टैब्लिश. कम्युनिकेशन हेल्प करता है बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में. लिंक्स किसके साथ? उसके सप्लायर्स के साथ, उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ, उसके कस्टमर्स के साथ. जब तक बातचीत नहीं होगी तो देयर विल बी नो लिंक बिटवीन द सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स. एंड लिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सप्लायर्स के लिए भी सामान कैसे आएगा, कॉम्पिटिटर्स के लिए भी जानने के लिए कि भाई क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स अब क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं टू कम अप विद, तो वो सब चीजें जानना भी इंपॉर्टेंट है. उसके लिए भी कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो देयर वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द क्विक एक्सेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन. अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन झट से जाननी है तो उसके लिए कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए कम्युनिकेशन सर्विसेज में वी हैव टू सर्विसेज. फर्स्ट इज आर पोस्टल सर्विसेज एंड सेकेंड इज आर टेलीकॉम सर्विसेज. पोस्टल सर्विसेज मतलब पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड लेटर्स एंड ऑल दैट. ठीक है, और टेलीकॉम सर्विसेज मतलब फोन, ईमेल्स, लैंडलाइंस, ब्रॉडबैंड, डीटीएच, इन सब चीजों से रिलेटेड जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो व्हाट आर पोस्टल सर्विसेज? फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज द होल कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इंटू 22 पोस्टल सर्कल्स. यस, चिट्ठियां ट्रांसफर करने के लिए, पोस्ट करने के लिए, लेटर्स पोस्ट करने के लिए whole country has been divided into 22 postal circles. ये इनकी connectivity होती है जिसके अंदर ये हमारा postal service का system चलता है. ठीक है, so these circles manage, ये जो circles होते हैं ये manage करते हैं day to day functions of head post office हो गए, आपके normal छोटे छोटे post office भी, सब कुछ कौन manage करता है? ये 22 postal circles. इन इस पर्टिकुलर सर्कल, फॉर एग्जाम्पल मैं 22 सर्कल्स की बात कर रही हूं, इस पर्टिकुलर सर्कल में जितने भी मेरे पोस्ट ऑफिस पड़ेंगे उनको कौन कंट्रोल करेगा? ये पोस्टल सर्कल. आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर है. इन इस पोस्टल सर्कल के अंदर जितने मेरे पोस्ट ऑफिसर्स पड़ेंगे दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय दिस पोस्टल सर्कल. क्लियर? सो पोस्टल सर्विसेज एज आई टोल्ड यू लेटर की सर्विसेज हो गई, पोस्ट करना. ठीक है, आजकल तो हम लोग, आजकल नहीं पहले से फॉर दैट मैटर, सामान भी पोस्ट हो जाता है ना. ठीक है, सो द सर्कल्स ये सब चीजें मैनेज करते हैं. तो क्या सर्विसेज होती हैं? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट्स आर, फर्स्ट इज योर फाइनेंशियल फैसिलिटी. ना फिर आप सोच रहे हो कि पोस्टल डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकता है? बट बिल्कुल प्रोवाइड कर सकता है. कैसे? समझो, दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड थ्रू PPF, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र एटसेट्रा. मतलब कुछ कुछ ऐसे पोस्टल डिपार्टमेंट ने स्कीम्स निकाल रखी है जिसके अंडर वो फाइनेंस का लेन देन, क्रेडिट देना, ये सब चीजें करते हैं. ठीक है, सो दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड थ्रू कैसे? फाइनेंशियल सर्विसेज. अच्छा, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है? पैसों का लेन देन, है ना. हो सकता है उनको पैसे लेने हैं, हो सकता है वो क्रेडिट पे पैसे दे रहे हैं, ये भी एक चांस है. ठीक है, तो ये सारी चीजें वो कैसे करते हैं? थ्रू अंडर सम स्कीम्स. कैसी स्कीम्स? जैसे PPF हो गया आपका, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र हो गया, दिस इज ऑल्सो अ स्कीम जिसके अंदर फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट टू द जनरल पब्लिक. ठीक है,
इन एडिशन टू द नॉर्मल रिटेल बैंकिंग फंक्शंस, रिटेल बैंकिंग फंक्शन मतलब एक जो नॉर्मल बैंक फंक्शन करता है, एक बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं गाइस, एक बैंक का फंक्शन होता है डिपॉजिट लेना, टाइम पर डिपॉजिट देना, एफडी की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, लोन्स प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीजें भी एक पोस्टल डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है. दैट्स व्हाई फाइनेंशियल सर्विसेज आल्सो अ सर्विस जो एक पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है. आई होप इतना क्लियर है. नेक्स्ट आता है आपका मेल फैसिलिटी. यहाँ पर मेल फैसिलिटी का मतलब मेरा ईमेल से नहीं है, मेल फैसिलिटी का मतलब है चीजों को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ आजकल हम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, अमेजोन पे चीजें ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से चीजें ऑर्डर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सामान पोस्ट करते हैं वन प्लेस टू अनदर. दैट कम्स अंडर मेल फैसिलिटी. और ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, पोस्टल डिपार्टमेंट्स. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आर्टिकल्स चीजें प्रोवाइड करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नेक्स्ट आता है आपका गाइस स्पीड पोस्ट. स्पीड पोस्ट सबने सुना होगा. एक होता है जनरल पोस्ट जिसमें एवरेज टाइम लगता है आपका सामान पहुंचने, एक होता है स्पीड पोस्ट. अगर आप स्पीड पोस्ट करते हो थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं आपके, बट आपका जो सामान है वो या फिर आपको कोई लेटर है वो बहुत जल्दी डिलीवर हो जाता है. तो ये भी सर्विस हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, पोस्टल डिपार्टमेंट. नेक्स्ट इज योर ग्रीटिंग पोस्ट. आजकल ग्रीटिंग पोस्ट शादी के कार्ड्स हम लोग आजकल तो वैसे कोई देता नहीं है शहद के कार्ड्स, बट स्टिल जहां जहां पर प्रिंट होते हैं कुछ कुछ उनके रिलेटिव होते हैं जो बहुत दूर रह रहे होते हैं, जहां पर वो जाकर शादी के कार्ड नहीं दे सकते, तो आजकल लोग क्या करा देते हैं, पोस्ट करा देते हैं शादी के कार्ड्स. दैट ऑल्सो सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट. नेक्स्ट इज योर पासपोर्ट फैसिलिटी. आपने अक्सर देखा होगा जिन्होंने अपने पासपोर्ट बनाया उनको भी ये चीज पता होगी, जब हम पासपोर्ट बनाने जाते हैं सारी जब फैसिलिटी पूरी हो जाती है तो वो हमें बोलता है मैम आपका पासपोर्ट आपके घर पोस्ट हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा. ठीक है, सो वही सेम चीजें हैं गाइस. वो भी कैसे होता है, पोस्टल डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करता है. एक न्यू चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो एक न्यू सर्विस जो हमें पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज ई बिल. ई बिल इज योर इलेक्ट्रॉनिक बिल. नाउ व्हाट डज दिस डू, टू कलेक्ट बिल पेमेंट्स अक्रॉस द काउंटर फॉर BSNL एंड भारती एयरटेल. मतलब जैसे कि BSNL सर्विसेज या भारती एयरटेल सर्विसेज जो भी होती हैं, इनके लिए हमें बिल आते हैं, बिल जनरेट होते हैं. पोस्टपेड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रीपेड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पोस्टपेड की बात कर रही हूँ. ठीक है, इनके बिल जनरेट होते हैं. तो आजकल पोस्टल डिपार्टमेंट्स ने ई बिल कलेक्शन पेमेंट भी स्टार्ट कर दिया है. ये अपने पोर्टल्स बना लेते हैं जिसपे आप ऑनलाइन अपने बिल्स को पेमेंट कर सकते हो. ऑल दो एयरटेल के खुद के ऐप है पेमेंट करने के लिए, ऑल दो आप इंटरनेट पे किसी भी चीज के आजकल पेमेंट कर सकते हो, बट पोस्टल सर्विसेज ने भी अपने स्पेशल पोस्टल्स क्रिएट करे हैं, पोर्टल क्रिएट करे हैं सॉरी, जिससे वो आप अपने बिल्स को घर बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकते हो. सो ये सारी सर्विसेज हैं जो एक आपको पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है अंडर कम्युनिकेशन सर्विसेज. सो ये थी हमारी पहली सर्विस जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी. सेकेंड सर्विस आती है हमारी टेलीकॉम सर्विसेज रिलेटेड टू लैंडलाइन, फोन्स, DTH, ब्रॉडबैंड, सब क्या होता है. ठीक है, इट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जो आपके टेलीफोन सर्विसेज हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी है कंट्री को सोशली भी ग्रो करने में और इकोनॉमिकली भी डेवलप करने में. अच्छा गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट. बाय चांस अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आपको थोड़ा सा और अपने बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है, बट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेसिकली व्हेन योर डेवलपमेंट इज इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस. इकोनॉमी, इकोनॉमिक, बाइंग एंड सेलिंग, बिजनेस, उस एरिया में जब डेवलपमेंट होती है दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड वॉट इज योर सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है, सोशल मतलब हम लोग जो लोग एक कंट्री में रहते हैं, सोशल. ठीक है, तो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डेवलपमेंट होना, लोगों की कनेक्टिविटी में डेवलपमेंट होना, दैट इज सोशल डेवलपमेंट. लोगों से रिलेटेड डेवलपमेंट एंड बिजनेस से रिलेटेड डेवलपमेंट कम्स अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर है. ठीक है, ओके, सो रिकग्नाइजिंग द पोटेंशियल इन एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. मतलब गवर्नमेंट ने यह करा कि कैसे हम लोग लोगों की लाइफ की क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं और इंडिया को एक आईटी सुपर पावर, आईटी मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड, राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रांग पावर बना सकते हैं 2025 तक. ये एक सपना देखा गया कि कैसे इंडिया के लोगों की लाइफ को बेटर करा जा सकता है और कैसे इंडिया को आईटी इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है बाय द ईयर 2025. उसके लिए दो स्कीम्स निकाली गई. सबसे पहला आपका आया न्यू टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क इन 1999 एंड अ ब्रॉडबैंड पॉलिसी इन 2004. दीज टू पॉलिसीज वर डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिससे वो
उनको लगा कि यस लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकता है और हम इंडिया को आईटी इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हैं टिल द ईयर 2025. आई होप गाइज ये चीज आपको क्लियर है. ठीक है, सो अब आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज. व्हाट आर योर टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, तीन तीन करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज आर सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, नेक्स्ट इज आर फिक्स लाइन सर्विसेज एंड थर्ड इज आर केबल सर्विसेज. नाउ व्हाट इज योर सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, दे आर ऑल टाइप ऑफ मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज. नाम से ही पता चल रहा है ना, मोबाइल. ठीक है, मोबाइल से रिलेटेड आपकी जितनी भी सर्विस हो गए, आपकी वॉइस सर्विस हो गए, आपके नॉन वॉइस मैसेजेस हो गए. वॉइस मैसेजेस बेसिकली व्हेन वी रिकॉर्ड और व्हेन वी स्पीक, एंड नॉन वॉइस मैसेजेस आर टेक्सटिंग, ईमेलिंग, जो आप आजकल फोन के थ्रू कर सकते हो. ठीक है, सो देयर ऑल द मोबाइल सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस. नेक्स्ट इज अ फिक्स लाइन सर्विसेज. फिक्स लाइन सर्विसेज आपने सुना होगा लैंडलाइन, है ना. लैंडलाइन हुआ करती थी पहले के टाइम में घर में, आज भी लोगों के घर में होती है लैंडलाइंस, जिसके थ्रू आप इजिली कम्युनिकेट कर सकते हो. सो अब इसकी खास बात क्या है लैंडलाइन की, दैट इट इज डन थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स. आपने देखा होगा ना लैंडलाइन तार से कनेक्टेड होता है, तो वो पूरे केबल्स लेट डाउन होते हैं हर जगह कंट्री में, ताकि कहीं पर भी आप फोन मिलाओ तो एकदम से फटाफट से आपको कॉल लग जाता है. दैट इज डन थ्रू कनेक्टिविटी ऑफ फैब्रिक केबल्स. ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स विच आर लेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, जिनको कंट्री में हर जगह बिछाया गया है, जिससे आप कहीं पर भी फोन करो लैंडलाइन से तो कहीं पर भी आप मिला सकते हो. दैट इज योर फिक्स लाइन सर्विसेज. नेक्स्ट इज योर केबल सर्विसेज. नाउ व्हाट आर योर केबल सर्विसेज, दे आर द सर्विसेज विद इन द लाइसेंस्ड एरिया. आजकल तो हमारे डिश टीवीज आ गए हैं, हमारे टाटा स्काई आ गए, पर इससे पहले हमारे केबल चलते थे घर पे, है ना. केबल का आपका मंथली बिल आता, तो केबल क्या होता है, केबल सर्विस वो सर्विस होती है जो पर्टिकुलर बंदा एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्रोवाइड कर सकता है, जिस एरिया का उसके पास लाइसेंस है. ठीक है, सो दीज आर सर्विसेज विद इन द लाइसेंस्ड एरिया. इट इज लाइक अ वन वे एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विस. ऑब्वियसली बात है, वन वे एंटरटेनमेंट वो आपको टीवी शोज दिखाते हैं और आप उनको देखते हो. वन वे एंटरटेनमेंट, उसमें आप तो कुछ नहीं कर रहे हो ना, आप तो उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो. दैट इज वाई इट इज अ वन वे एंटरटेनमेंट सर्विसेज. इट इज सिमिलर लाइक फिक्स सर्विसेज. इसके लिए भी आप केबल्स आपको लेट डाउन करने पड़ते हैं, तारे डलती हैं, तब जाके ये चीज चलती है. क्लियर. नेक्स्ट आता है आपका VSAT services and DTH services. Now, what is VSAT? It is basically very small aperture terminal in is a satellite based communication services. ये जो VSAT और DTH दोनों ये जो होती हैं, ये satellite based होती है. यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, it is also देखो यहाँ लिखा है ना, it is also a satellite based services. ठीक है, सो इट ऑफर्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज अ हाई फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन सोल्यूशन. मतलब बिग 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 एजेंसीज, बिग बिग कंपनीज, बिग बिग गवर्नमेंट एजेंसीज को अगर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कभी भी कम्युनिकेट करना हो, बहुत रिलायबल जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल जिसपे आप भरोसा करते हो, एक ऐसा सिस्टम कौन प्रोवाइड करता है, VSAT सर्विसेज, क्योंकि डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होती है, सैटेलाइट से. ठीक है, रिलायबल कम्युनिकेशन सोल्यूशन बोथ. सबसे अच्छी खास बात यह है, दोनों जगह पे, रूरल एरियाज में भी एंड अर्बन एरियाज में भी. ठीक है, हो सकता है ना कि रूरल एरियाज बैकवर्ड एरियाज में इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होती, बट VSAT सर्विसेज से आपको कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सैटेलाइट के थ्रू वो चीज कर रहे हो. सैटेलाइट तो स्काई में ऑलरेडी है, आसमान में है, कहीं पर भी इसके सिग्नल्स जा सकते. सो इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड न्यूज पेपर ऑनलाइन न्यूज पेपर प्रोवाइड करने के लिए, मार्केट रेट्स बताने के लिए. कंट्री के सबसे बैकवर्ड से बैकवर्ड एरिया में भी आपका ये सर्विस काम करेगा, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू सैटेलाइट. आई होप गाइज ये चीज आपको क्लियर है. मूविंग ऑन टू DTH सर्विसेज. DTH की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज. इट इज अगेन अ सैटेलाइट बेस्ड सर्विस. वन कैन गेट डायरेक्ट सिग्नल्स. सैटेलाइट होता है ये आपके हो गए डिश टीवी, टाटा स्काई, घर पे आते हैं वो छोटा सा डिश लगा के जाते हैं जो आपके सिग्नल्स कैच करता है डायरेक्ट मेजर सैटेलाइट से, वो चीजें होती है. वन कैन गेट डायरेक्ट सिग्नल्स फ्रॉम अ स्मॉल डिश एंड एंटीना. एंटीना और स्मॉल डिश से आप डायरेक्ट सिग्नल्स मेन सैटेलाइट से गेट कर सकते हो, ले सकते हो, और डायरेक्टली आप टीवी चला सकते हो, देख सकते हो. इसके अंदर आपको केबल्स की कोई जरूरत नहीं होती, तारों की जरूरत नहीं होती, जैसे इसके अंदर तार डलते हैं. क्लियर गाइज, ये हो गई हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज. इसके बाद आती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, विच इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. विदाउट ट्रांसपोर्टेशन आप सामान एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कैसे करोगे, एंड इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि जहां पे सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है वहीं पे सामान कंज्यूम हो रहा है. ये चीज मैं आपके साथ डिटेल में पहले डिस्कस कर चुकी, इसलिए NCERT वालों ने भी इसको बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट वे में डिस्कस करा है. दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कंप्राइजेस फ्रेट सर्विसेज टुगेदर विद सपोर्टिंग एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज. क्या होता है,
ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है फेट सर्विसेज, मतलब फेट आपको ऑब्वियसली बात है कुछ किराया, वी कॉल इट किराया, किराया तो देना पड़ता है ना आपको जब आप ट्रांसपोर्ट कराते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। किस लिए होता है? ऑक्सिलरी सर्विस। ऑक्सिलरी सर्विस मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करी है। ऑक्सिलरी सर्विसेज आर बेसिकली वो सर्विसेज जो आपकी बाइंग एंड सेलिंग को सपोर्ट करती हैं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ योर ऑक्सिलरी सर्विसेज, ठीक है। बाय ऑल दी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सारे रोड ले लो, रेल ले लो, एयर ले लो, वाटर ले लो, सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, ऑब्वियसली बात है, चाहे रोड हो, चाहे रेल हो, चाहे एयर हो, सारी सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिंस स्पीड इज अ एसेंस इन एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि जहां पर आपका सामान टाइम पर नहीं पहुंचा, पेमेंट्स टाइम पे नहीं हुई, बिजनेस कैसे चलेगा? तो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन, दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, एक जगह मैन्युफैक्चर का करा आपने, इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो दूसरी जगह में, बेसिकली हिंड्रेंस, रुकावट, ऑब्स्टिकल हटा देता है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ प्लेस, इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड एंड डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर अ डेवलप्ड कंट्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डेवलप्ड कंट्री में एक डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होना, तभी आगे आप लोग अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, अल्टीमेटली आप अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हो। मेरे हिसाब से सारी सर्विसेज जरूरी हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, वेयर हाउसिंग हो गई, बैंकिंग हो गई, आपकी इंश्योरेंस हो गई, एक भी सर्विस उसमें से एबसेंट हो गई तो आप अपना बिजनेस ढंग से कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द सेकेंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई बी कमिंग अप विद द लास्ट टॉपिक दैट इज वेयर हाउसिंग एंड वील बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।